वेतन कटौती मामले में सरकार ने किया समिति का गठन, सामंत की अध्यक्षता में चार कमेटी सदस्य करेंगे मंथन, छह महीने में आएगी रिपोर्ट। अब प्रदेश में हर महीने आ सकता है बिजली बिल, 1 अप्रैल 2018 से हो सकता है लागू, सरकार ने लिया फैसला। एसओजी ने 1200 करोड़ की ठगी के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, चार राज्यों के 120 शहरों की ठगी, प्रदेश में 11 ब्रांच सीज। कोटा में डेंगू पर राजनीति तेज, चिकित्सा मंत्री के बयान के विरोध में दिव्यांग ने कराया मुंडन, तो बोली कांग्रेस, बीजेपी में गुटबाजी चरम पर। कोल्ड ड्रिंक्स बिगाड़ सकती है आपकी सेहत, कोटा के मोड़क स्टेशन पर तैयार हो रहा नकली पेय, नाक के नीचे कारगुजारी से रेलवे सुरक्षा बल अनजान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उपचुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी का हर नेता कह रहा है कि विकास के कामों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन बीजेपी की कई विधायक जनता की दम पर ही चुनकर जो आए हैं वो कहते हैं कि काम कागजों में हो रहा है और मंत्री अधिकारियों के भरोसे है, तो कहीं सरपंच मंत्री को खुलकर कह रहे हैं कि चार सालों में काम ही नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि क्यों अपने ही अपनों से नाराज है, ये आगामी चुनाव का तकाजा है या फिर गुटबाजी का परिणाम है? आज बात इसी मुद्दे पर। एक जिले के चार विधायक एक सुर में मंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दें और उन्हें बता दें कि आप जो बता रहे हैं उसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और जो जमीनी हकीकत है उससे आपके आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं, तो क्या सरकार के आंकड़े गलत हैं या फिर विधायकों के गुस्से की वजह कुछ और है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ये चार तस्वीरें यूं तो बीजेपी के विधायकों की हैं, लेकिन आज इनकी पहचान क्या जनता के हितेशी और बीजेपी के बगावती जैसी है या फिर हकीकत को पटल पर रखने के लिए मंत्री जी तक को आईना दिखाना मजबूरी है? सवाल कई हैं, लेकिन जो हाल कोटा में चिकित्सा मंत्री के खिलाफ इन विधायकों का नजर आया वो बेहद गंभीर है, क्योंकि रामगंज मंडी से विधायक चंद्रकांता कहती है कि हर घर में डेंगू के मरीज हैं और हर मोहल्ले में मौत का मातम। जनता को मुंह दिखाएं तो भला कैसे दिखाएं? पीपलदा विधायक नंदवाना कहते हैं कि सरकारी अस्पताल से रेफर करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल कहते हैं कि पूरा कोटा त्राहिमाम कर रहा है, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, एक बेहुदा सिस्टम है जो ऑटो मोड पर चल रहा है। तो वही भवानी सिंह राजावत ने इनसे एक कदम आगे बढ़कर मंत्री जी के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। गंभीर नहीं है, अभी भी कह रहा है तीन मौतें हुई है, अधिकारी करा, प्रिंसिपल करा मेडिकल कॉलेज का 10 मौतें हुई है। ये मौतों के साथ मजाक है, ये मानवता के साथ मजाक है, और इसलिए मैंने बैठक का बहिष्कार किया। मैंने मंत्री महोदय को कह दिया कब भी जाग जाओ, सोते हुए तो अब जागे जो आज कोटा में है इतनी मौतों के बाद। मंत्री महोदय तो जो अधिकारी करे उसमें हाँ मिला रहे, ये शर्म की बात है और ये हमारे माथे पे कलंक लगा है। मंत्री होता तो ऐसे हालात ही नहीं होते, मैं नियंत्रण पाता। कमाल है, पहले चिकित्सा मंत्री के तौर पर मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रालय संभाला और मंत्री रहते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है इस विभाग का मंत्री होते हुए, तो अब जो मंत्री हैं उनके बारे में उन्हीं के विधायक कहते हैं कि उनकी जगह वो होते तो हालात ऐसे ना होते, यानी मंत्री कालीचरण सराफ की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन मंत्री सराफ कहते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कहा है
तो कार्रवाई होगी। नायक साहब को उनको कोई काम था इसलिए गए, वो कोई बहिष्कार नहीं किया। अब उन्होंने इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आपके सामने दिया है तो हम पता करेंगे। यहाँ तो वो ये कह के गए कि मेरे को और कई काम है इसलिए जा रहा हूँ, और आपको ये कहा है कि हमने बहिष्कार किया है तो वी विल टेक एक्शन। कार्रवाई का झुंझुना सिर्फ बजता ही दिखता है, होता जाता कुछ नहीं। तभी तो सरपंच भी मंत्री को कह देते हैं कि 4 सालों में कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन इस बगावत या फिर बगावती सुर के पीछे क्या वाकई में वजह यही है कि काम हुआ ही नहीं, या फिर काम सिर्फ आंकड़ों में हुआ, जमीन पर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अपनी ही सरकार से, अपने ही मंत्रियों से नाखुश है? बिग फाइट लाइव में आज सवाल यही है। आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट पर जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपके जवाब को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने साथ जो माननीय मौजूद हैं उनसे इस बारे में बातचीत भी करेंगे कि क्या वाकई में जनता को जो लगता है वही राजनीति का स्याह सच है, या फिर राजनीति उससे बहुत ज्यादा उलट करके चल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपसे अपने मेहमानों को मुखातिब कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, विश्लेषक NM शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। क्या कहें, जो ये नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो बगावती तेवर यहां पर नजर आ रहे हैं कोटा के अंदर, वो सियासत का तगाजा है या जमीनी हकीकत के बाद की नाराजगी? विजेंद्र जी, जिस प्रकार से विधानसभा में पर्ची पर भवानी सिंह राजावत और स्थगन प्रस्ताव पर प्रहलाद गुंजल ने साफ साफ तौर पर कहा था कि कोटाल के हालात ठीक नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वहाँ मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वार्ड ICU में इतने लोग हैं कि वहाँ रुकने की जगह नहीं है, लोग सड़कों पर तक आ गए हैं और केवल अस्पताल में जांचों के नाम पर करके उनको रेफर कर दिया जाता है निजी चिकित्सालयों में। अब अगर विधायक आपके बैठक में कह रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, जो विधानसभा में आपने गलत बोला था, यहाँ 160 की मौत हो गई, आप केवल 4 मौत बता रहे हैं, आज तो देखिएगा कि जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ कल, क्योंकि ये एश्योरेंस विधानसभा में मंत्री जी ने दिया था कि मैं वहाँ घटना स्थल पर जाकर के सारी चीज़ देखूंगा, लेकिन मंत्री जी को पहले अपने विधायकों को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था, बैठक से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत नहीं की क्योंकि पहली बार विधायक नहीं चुन के आए हैं। भवानी सिंह राजावत सीनियर विधायक है, पहले संसदीय श्याम जी सोचा होगा उन्होंने अपने ही विधायक हैं, हो अल्लाह थोड़ी ना करेंगे। नहीं नहीं, जब वो विधानसभा में बोल चुके तो बैठक में तो बोलने वाले थे, क्योंकि विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति बोलता है, फ्लोर पे सारी बात कहता है तो सड़कों पे तो वो बात कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि चुनाव में वोट उसको लेने हैं, उसके पब्लिक उसको बताएगी। लेकिन आज देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी विधायकों का पक्ष लिया है, वो उन्होंने कहा कि विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको कहना चाहिए था, और मंत्री को कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर के फटकार लगानी चाहिए कि आप जहां बैठक ले रहे हो अपने विधायकों की बात नहीं सुन रहे हो, केवल अधिकारियों की बातों पे कह करके कह रहे हो कि 4 ही मौत हुई है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में भी मेरे को लगता है कि अंदर ही अंदर से आपसी मतभेद। लेकिन श्याम जी, आपको लगता नहीं कि अगर वो विधायकों की मानेंगे तो फिर सरकारी आंकड़ों को झुटलाना पड़ेगा? सरकारी आंकड़ों को झुटलाना पड़ेगा तो फिर ये बताना पड़ेगा कि सिस्टम किस तरीके से कागजों में काम करता है। शर्मा जी, क्या यही वजह है कि जो योजनाएं हैं या जो जमीनी हकीकत है या जो जनता जमीन पर परेशान है उसको राहत मिलती नहीं, क्योंकि विधायकों ने जो आईना मंत्री साहब को दिखाया है वो जमीनी हकीकत है और आंकड़ों के जरिए जो मंत्री साहब देख रहे हैं वो हवा हवाई है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पूरे प्रदेश में एक विशेष प्रकार की जब बीमारी वायरल के रूप में फैल रही है और उसके संदर्भ में राज्य सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है तो ये आक्रोश न केवल विधायकों में बल्कि सामान्य जनता में भी पैदा होगा। और विशेष रूप से जब कोटा संभाग की हम बात कर रहे हैं जहां विधायकों को कुछ ही समय बाद चुनाव के लिए जाना है, तो उन्हें किस प्रकार से उन व्यक्तियों से जो उनको चुनाव के लिए सहयोग प्रदान करने वाले हैं किस रूप में वो उनको फेस कर पाएंगे, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए उनका आक्रोश बड़ा वाजिब बनता है। परंतु यहाँ सियासी तौर पर यहाँ तथ्यों के रूप में दो बात मैं कहना चाहूँगा कि केस उलझा क्यों है। देखिए, केस उलझने का मूल कारण है कि केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत किस रूप में डेंगू को माना जाए इसके संबंध में ELISA टेस्ट जो है उसको केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है
कि जो व्यक्ति इस रिपोर्ट पर पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हीं को डेंगू का मरीज माना जाएगा, और एलाइजा कार्ड से जो होगा उसको माना नहीं जाएगा, एलाइजा कार्ड को ही माना जाएगा, केंद्र सरकार का ये कहना है। और जबकि कार्ड टेस्ट जो है कि जिसकी 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है उसके आधार पर अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये एक जो विरोधाभासी उत्पन्न हुआ है उसके कारण चिकित्सकों में और सामान्य रूप से जो अस्पताल हैं उनके सामने दुविधा उत्पन्न हो गई है कि वो किन आंकड़ों को डेंगू के आंकड़े माने, क्योंकि एलाइजा रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है और डेंगू की रिपोर्ट ये जो कार्ड टेस्ट है ये 15 मिनट में आ जाती है और पॉजिटिव आने पर इलाज शुरू कर दिया जाता है। तो उस पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर संख्या बहुत अधिक आ रही है, जबकि 2 दिन बाद होने वाला जो एलाइजा है उसके आधार पर संख्या कम आ रही है। और मैं समझ रहा हूँ यही एक कारण रहा है जिसके आधार पर बहुत समस्या उत्पन्न हुई है कि डेंगू के मरीजों की संख्या कितनी है। और जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2016 है उसमें करीब 15 आदमी जो है मारे गए थे, और अब 5 आदमियों की जो बात कही जा रही है ये अभी थोड़ा गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में एक तरह से कहें कि डेंगू के मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जयपुर में भी हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में लोग जो है इसके संदर्भ में एक ग्रसित होकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं समझ रहा हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विशेष रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि फॉगिंग वगैरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और बहुत अधिक गंदगी का अंबार जहाँ है वहाँ बड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है ये कि राज्य सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि मच्छरों से निजात। हाल ही में 2 अक्टूबर को तो सफाई की गई थी, देखा नहीं आपने नेताओं के हाथों में कितनी झाड़ूएं थी। देखिए सांकेतिक आधार पर केवल प्रोपोगंडा करने के लिए अगर सफाई कर दी जाती है तो उससे मच्छर नहीं भागने वाले हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एशिया महाद्वीप में श्रीलंका जहां बहुत अधिक मात्रा में इस तरह की समस्याएं थी उन्होंने अपने आप को मच्छर मुक्त कर दिया है। तो एक जब छोटा राष्ट्र अपने आप को मच्छर मुक्त कर सकता है, 2 वर्ष पहले विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसने मच्छर मुक्त घोषित कर दिया है उसको। ठीक है ज्योति जी, क्या आपको लगता है कि मुद्दे ही अगर खत्म हो गए तो सियासत ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वक्त वक्त पर मुद्दे उछाल दिए जाते हैं, और इस वक्त जो विरोध नजर आ रहे दरअसल गुटबाजी नहीं, ये आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी तकाजे हैं। निश्चित रूप से आगामी, विजेंद्र जी मैं आपके पास से सहमत हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, और इस समय विधायकों को ये डर तो लग ही रहा है कि अगर हम अभी भी जनता के हित की बात को नहीं उठा पाए तो हम जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। और अब तक वो क्योंकि जैसा चल रहा था राज्य सरकार में, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने मंत्रियों के बोलने की स्थिति नहीं, और मंत्रियों के सामने विधायकों के बोलने की स्थिति नहीं रहती है। और जब वो बोल ही नहीं पा रहे थे, ये तो हम सब देख ही रहे हैं, नहीं बोल पा रहे थे, तो लेकिन अब वो समय आ गया कि उनको लगता है कि अगर हम अभी भी जनता के हित की बात नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम जनता के सामने कैसे जाएंगे। मैं एक और बात, अब ये कह रहे हैं कि जो ये बगावती सुर के साथ जनता से सुर मिलाने की कोशिश की गई ये भी सिर्फ इसलिए ताकि सियासी को अपना साथ सके। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन मैं एक बात और आपको यहां पे कहना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसे सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको केवल अधिकारियों की ही आंकड़ों की बात माननी है, अधिकारी आपको बता रहे हैं कि हम, उनका तो काम है, जिम्मेदारी है, वो कैसे बोलेंगे कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो ही अगर आपको मानना है तो फिर तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। जनप्रतिनिधि का काम ही ये है कि जो अधिकारी जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसकी वो मॉनिटरिंग करें, और मॉनिटरिंग के बाद जो सच्चाई आए उसे सरकार के सामने लाए, जिससे सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सके और सिस्टम को सुधारने का कुछ काम कर सके। लेकिन आप अगर अपनी कमी को मानेंगे ही नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता कैसे होगा। मुझे तो खासतौर से बड़ा दुख होता है। ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि कई बार हमें दूसरों की तकलीफ समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर जब वो तकलीफ पड़ती है तब तो कम से कम हमें समझ में आता ही है। आपकी खुद की विधायिका मांडलगढ़ की, वो इन डेंगू और स्वाइन फ्लू के इस प्रकोप से चली जाती हैं। दिगंबर सिंह जी आपके सीनियर लीडर चले जाते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आता, मतलब आप अपनों को खोकर के भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बीमारी के हालात क्या है, जबकि उनके पास सारी सुविधा थी। आप सोचिए जिसके पास सुविधा ही नहीं होगी वो कैसे कैसे उसे पार पा सकता होगा, अगर वहां पर संसाधन नहीं होंगे, दवाई नहीं होगी, टेस्ट नहीं प्रॉपर हो पाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी तो केवल आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे तो कैसे होगा। लेकिन अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं विजेंद्र जी एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी किया कार्ड टेस्ट और एलाइजा टेस्ट के बारे में, आप बोल रहे हैं कि एलाइजा टेस्ट के जो सामने आएगा, कार्ड टेस्ट से टेस्ट करवा करके 15 मिनट बाद रिपोर्ट लेकर के आप डेंगू के अगेंस्ट इलाज शुरू कर देते हैं जी,
और फिर आप इसके बाद ये 90% केसेस में होता है कि एलाइजा टेस्ट करवाया ही नहीं जाता, और जहाँ करवाया जाता है वहाँ पर आप, मैं तो ये मानना चाहूँ, अगर आप एलाइजा टेस्ट को ही मानते हैं कि यहीं से डेंगू का होगा, तो वो व्यक्ति क्या बिना बीमार हुए उसे आप डेंगू का ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ उन मरीजों के साथ नहीं हो रहा है जिन्हें आप, जिस टेस्ट को आप सरकार नकार रही है कि हम नहीं मानते कि इससे मरीज का डेंगू होना 100% हो रहा है, उस टेस्ट के माध्यम से आप इलाज शुरू कर देते हैं और जिसे आप कंफर्म मानते हैं वो टेस्ट तो हो ही नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या मरीजों के साथ और ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो रहा है कि जिन्हें वो बीमारी ना हो उसे भी आप वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मैं आपको रोकना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि भवानी सिंह जी छोड़कर के चले गए तो आई विल टेक एक्शन। बड़ा अच्छा लगता मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर इतनी ज्यादा बीमारियों का प्रकोप है तो आई विल टेक एक्शन जिससे कि मैं मरीजों को बचा सकूं। तो शायद ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट मंत्री जी का। भवानी सिंह राजावत ने ये कहा कि अगर मैं मंत्री होता तो ऐसी समस्या ही नहीं आती, उन्होंने सीधे उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए थे। आलोक भारद्वाज जी, आलोक भारद्वाज जी, सर जब मंत्री राजेंद्र राठौड़ थे तो वो कहते थे कि मुझे शर्म आती है इस विभाग के मुखिया होते हुए, दूसरे मंत्री आए तो उनके बारे में आपके विधायक कहते हैं कि इनसे बेहतर तो मैं ही था, अगर मैं बन जाता तो यहां पर यह समस्या ही नहीं आती, उनकी भी काबिलियत पर सवाल उठ जाते हैं, ये किस तरीके की गुटबाजी है? देखिए विजेंद्र जी, आपने कहा आज जो विषय है आपका समृद्ध पे उस पर, अगर लेकिन उससे पहले आप ये बात कर रहे हैं कि गुटबाजी, तो आपको बता दूं कि यहाँ संगठन के अंदर, संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी तक अगर किसी का है तो वो संगठन का मैटर है, संगठन के स्तर पे हमारे को जो है उस पर जो भी है वो हो जाएगा। सर, ये संगठन से जुड़ा नहीं, जनता से जुड़ा मुद्दा है सर। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जनता, अभी मैंने दो चीजें सुनी, हो रही है ज्योति खंडेलवाल जी ने, कांग्रेस के नेता ने आज अभी क्या बोला उन्होंने कि साहब ये अधिकारी, इन्होंने बोला कि अपने और इन्होंने क्या कहा, विधायिका मांडेगलड़ की विधायिका के नाम लेके इन्होंने कहा, दुर्व दिवंगत विधायिका का, और अभी साथ ही श्याम सुंदर जी को भी, मैं उनसे उम्मीद नहीं थी लेकिन इन्होंने उसको जोड़ दिया, आदरणीय दिगंबर सिंह जी को इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां जब जनता चुन के आते हैं, ये अपने और पराये का भेद नहीं है, विधायिका हो या आम जनता हो सब बराबर है। सबसे बड़ी बात है कि आप उसको ये अपने और पराये, अपना आप लोग यही करते थे, ये मेरा है ये अपना है ये करते, तो उसका तो फल आपको जनता ने दे ही दिया। मरे नहीं क्या आप, ऐसी बात कर रहे हो, आप कह रहे क्या चाह रहे हो, आप ये कह रहे हैं ना आपके संसद को खोकर भी उसके परिणाम होगा, ऐसा नहीं है। जब आप जनता के खोने से तो आप संवेदनशीलता आई नहीं है, आप संसद पर ये सोचो, ये विधायक और संवेदनशील के दर्जे वाले को बचाने वाले आपके शब्दों पर कमान है, शब्दों को पहले आप शब्दों का निरीक्षण कर ले, सारे ही अपने आप। आलोक भारद्वाज जी, मैं एक एक करके सर आपको बयान बता रहा हूं, वैसे आपको बयान पता होगा लेकिन जरा इन बयानों का मतलब आप भी बताइए। चंद्रकांता जी कहती हैं कि हर घर में डेंगू का मरीज है, हर मोहल्ले में मौत का मातम है, जनता को मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं सर? अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, सिर्फ 4 ही मोहल्ले हैं सर पूरे कोटा में। अब मैं आपको बता देता हूं विजेंद्र जी, आपने कहा कि अधिकार, मैं पूरा आपको बता रहा हूं संभाग के, जो आपने कहा कि 4 ही मौतें होती है, मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूं विजेंद्र जी, कि सबसे पहली बात तो ये है, एक भी मौत हो, 4 मौत हो, भैया मौत अब जब होती है उसके लिए आप सबकी संवेदनाएं आपकी भी है और मेरी भी है, वो अलग चीज है। अब कारण की आपको भी पता है कि ये ठीक है बीमारी है डेंगू के, जो इलाज की प्रक्रिया है वो भी सबको पता है कि कार्ड का टेस्ट, लेकिन एलाइजा का टेस्ट से कंफर्मेशन होता है, जो सिस्टम है फिर उस वायरस ने क्या एक्शन लिया। वैसे मैं आपको भी बता दूंगी, संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कमेटी भी बना दी गई है जो ये जांच करके भी निकालेगी, आपको हालांकि पता होगा लेकिन फिर भी आपके माध्यम से। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो सही है या आपके जो 4 विधायक बता रहे हैं वो सही है? देखिए आपने कहा अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, 4 विधायक बता रहे हैं, विधायक जनता के प्रतिनिधि है, जनता जब उनके पास आती है सर, दोनों सच बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मुमकिन नहीं कि दोनों सच बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विजेंद्र जी, आपने कहा मुमकिन, अब आपको बता देता हूँ, अधिकारी का और विधायक का सबका अपना दायित्व होता है ना, विधायक जनता के प्रतिनिधि, जनता ने उन्हें आके बताया, लेकिन अधिकारी जो है वो अगर निरीक्षण करके और कोई चीज ला रहे हैं तो, लेकिन इन्होंने तो वही बात कर दी, अधिकारी जैसे अशोक गहलोत जी कहते हैं मैं अधिकारियों को देख लूंगा, ये उसी मुद्दे पर आ गई के, आप सर, लेकिन समस्या आपके साथ तो उल्टी है सर, अधिकारी आपको देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि इतने मौतें हुई, मान लीजिए मंत्री जी उसी को मानते हैं, तो विधायक वहां पर आकर बताते हैं तो वो कहते हैं कि आई विल टेक एक्शन। देखिए ऐसा नहीं है कि आई विल टेक एक्शन कहने का, आपस में परिवार आपका भी है, परिवार मेरा भी है, अगर मेरे परिवार में मेरे भाई ने मेरे से कोई बात हो गई और मैं कहा तो आप उस बात को एक मुद्दा बनाने की बात नहीं है, ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन वाकई में विधायक जो है वो परिवार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे पहले जनता से जुड़े हुए नुमाइंदे और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के प्रति वो जागरूक भी रहें, सतर्क भी रहें और संवेदनशील भी रहें। लेकिन यहाँ पर अधिकारी कुछ ऐसा आंकड़ा घुमाते हैं कि विधायक जब मंत्री साहब से मिलने पहुंचते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आई विल टेक एक्शन, जबकि वाकई में एक्शन होना चाहिए, एक चिकित्सा मंत्री को एक्शन करना चाहिए लेकिन बीमारी पर रोकथाम के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।
सरकारी विधायक और सांसदों का आपने सामने होना ये गलत बात है जो पब्लिक के बीच में जा रहा है, तो ये गलत है। अगर ऑफिसर्स वगैरह या गवर्नमेंट बॉडी वगैरह और विधायक और सांसद जो आप आपस में इनका इतना तालमेल है तो जो जनता तो इससे परेशानी है ना। नहीं तो कार्यकर्ता नाराज है, नहीं विधायक नाराज है। छोटे मोटे काम में कभी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता विधायक और सरकार इन सब की मंशा ये रहती है कि जनता के कल्याण के लिए काम हो